म्यांमार में जिस तरह से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में वहां के मुस्लिम दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। भारत में भी रोहिंग्या मुसलमान शरण लेने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में शिवसेना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध में आज मेरठ के कमिश्नरी चौराहे से पैदल मार्च निकालते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भारत में रोहिंग्या मुसलमानों व बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि लगभग 1 लाख रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और उन्होंने भारत में रहकर राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पर आधार कार्ड भी प्राप्त कर लिया है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना जिला प्रमुख मेरठ। आज किस चीज को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज शिवसेना का प्रदर्शन, जो रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ भारत में हो चुकी है, 1 करोड़ से अधिक की मात्रा में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो चुकी है, उसके विरोध में है। हम भारत सरकार से मांग करने आए हैं कि शीघ्र रोहिंग्या मुसलमान जो पूर्व सरकारों में भारत में बस गए थे और भारत में भी ऐसी जगह पर भी बस गए जहाँ, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, जब भारत का नागरिक अपनी जमीन लेकर रह नहीं सकता, उस जमीन पर भी रोहिंग्या मुसलमानों ने अपना बास बना लिया। लगभग 10,000 की संख्या में जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमान बस चुका है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक पूर्व सरकारों में बसे हुए 1 लाख रोहिंग्या मुसलमान और 1 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर नहीं किया है। इसको लेकर भारत सरकार ने वर्तमान में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर रोक लगाने का जो प्रशंसनीय कार्य किया है, उसकी शिवसेना सराहना करती है, लेकिन जो पूर्व सरकारों के द्वारा भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराई गई, उन्हें बसाया गया, उनके राशन कार्ड बनवाए गए, उनके आधार कार्ड बनवाए गए, उनके वोटर कार्ड बनवाए गए, हम उनकी मांग करने आए कि उन्हें चिन्हित कर भारत सरकार तुरंत भारत से की भूमि से उन्हें बाहर खदेड़ने का कार्य करे, वरना शिवसैनिकों ने भारत बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। आज आप किसे ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम? आज का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम है, जो हम अपने जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं।